हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे कमेंट में पूछा गया, अगर ढलान के ऊपर बाइक चलाते तो कौन सा गियर में बाइक चलाना चाहिए। अच्छा विषय है, हम लोग ऊपर की ओर अगर बाइक चलाते ढलान पे जा रहे हैं तो कौन सा गियर में बाइक चलाना चाहिए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। लेकिन एक कमेंट के वजह से एक पॉइंट मैं और एक बताना चाहता हूँ, ज़्यादा अगर ढलान होगी तो आपको फर्स्ट गियर के ऊपर बाइक को चलाना चाहिए। फर्स्ट गियर के ऊपर बाइक कभी भी बंद नहीं होती, दूसरे गियर के ऊपर बाइक बंद हो सकती है। लेकिन कभी अगर आपका जो क्लच का और थ्रोटल का एक्सीलेटर इनका रेशियो अगर ठीक नहीं होगा तो है ना, ये बंद हो सकती है। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप ढलान के ऊपर अगर बाइक चलाना चाहते हैं तो पहले गियर पे फर्स्ट गियर के ऊपर बाइक चला दो। और जो रेस होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग चलाते हैं उससे थोड़ा सा रेस ज़्यादा चाहिए है ना, क्योंकि ऊपर जाना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर हम लोग पहाड़ के ऊपर अगर चढ़ते हैं तो उस समय हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्टेज होते हैं। यानी मतलब क्या होता है, अगर ढलान के ऊपर बाइक को चलाना है तो थोड़ा रेस भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन पहले गियर के ऊपर बाइक चलाओ ढलान अगर ज़्यादा तरीके से है तो इस समय आप लोगों को जो क्लच होता है, क्लच हाफ क्लच रखेंगे चलेंगे, लेकिन हाफ क्लच के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लच को फुल भी रखो, फुल रखो यानी छोड़ दो क्लच को, और पहले गियर पे बाइक चला दो, बाइक बंद नहीं हो जाएगी। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, आपको सफलता मिलेगी। कमेंट किया था इसके वजह से मैंने इस विषय के ऊपर बात करने की कोशिश की। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।